रोहिंग्यास बर्मा यानी म्यांमार का एक हिस्सा है जिसको रखीन प्रोविंस कहते हैं, जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर रहने वाली एक कम्युनिटी है जिनकी संख्या 11 लाख से ज़्यादा मानी जाती है, जिनको आज तक चाहे वो 100 साल से ज़्यादा से बर्मा में यानी म्यांमार में रह रहे हैं, लेकिन आज तक उनको बर्मा की नागरिकता नहीं दी गई, ना ही उनको बांग्लादेश की नागरिकता दी गई है। वो अधिकतर मुसलमान हैं, लेकिन उसमें से कुछ गैर मुसलमान हिंदू और दूसरे धर्मों के भी हैं। ये एक एथनिक कम्युनिटी है। पिछले कम से कम 5 साल से म्यांमार बर्मा में बहुत आर्मी के द्वारा इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा है, जिसके चलते हुए इनके गांव के गांव जला दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, महिलाओं का बलात्कार हुआ है, तरह तरह के अत्याचार हुए हैं, जिसकी वजह से उनमें से बड़ी संख्या में कम से कम 3-4 लाख लोग रोहिंग्या को बर्मा यानी म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश या हिंदुस्तान या अन्य कुछ देशों में जाना पड़ा है। बहुत मुश्किलात में वो लोग वहाँ से भागकर बाहर गए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। फिर भी करीब 40,000 रोहिंग्या हिंदुस्तान में पिछले 5 साल के करीब में आए हुए हैं। ये हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, कुछ दिल्ली के पास या दिल्ली में, कुछ जम्मू में, कुछ हैदराबाद में, कुछ जयपुर में और कुछ और अन्य जगहों में। बहुत मुश्किलात में रह रहे हैं। बार बार इनके ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी लोग हमला भी करते रहे हैं और इनके ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाई ये तो आतंकवादी है। अभी जहाँ जम्मू में, जहाँ करीब 6,000 लोग रहते हैं, वहाँ जम्मू और कश्मीर की असेंबली में ये सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में वहाँ की सरकार ने बोला कि नहीं, रोहिंग्यास के खिलाफ एक भी मामला आतंकवाद से कनेक्टेड कोई दर्ज नहीं किया गया है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये लोग आतंकवाद में जुड़े हों, आतंकवाद से जुड़े हों। भारत सरकार की अभी तक नीति ये रही है कि जो भी लोग माइनॉरिटी के दूसरे देशों से रेफ्यूजी की तरह भाग कर आते हैं, क्योंकि वहाँ उनका प्रताड़न हो रहा है, उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाता है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा दिए जाते हैं। यही बात मौजूदा सरकार ने 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी करके बोली थी, और उसमें खास ये बोला गया, खास बात ये थी कि उसमें ये बोला गया कि जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोग अगल बगल के देशों से प्रताड़न के कारण भाग कर आ रहे हैं हिंदुस्तान, उनको यहाँ पनाह दी जाएगी और उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिए जाएंगे। लेकिन हाल में सरकार की तरफ से और किरण रिजिजू की तरफ से कई बयान जारी किए गए, जिसमें ये बोला गया कि नहीं, रोहिंग्या को हम लोग यहाँ पनाह नहीं देंगे और उनको वापस भेजा जाएगा, जिनको ये लोग कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रेफ्यूजी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किया है, लेकिन कई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर करे हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी जना अगर हिंदुस्तान में है और उसको वापस भेजने की बात होती है, और वापस भेजने से उसकी, उसका जीवन या उसकी उसकी लिबर्टी
खतरे में पड़ जाएगी तब फिर उसको बाहर नहीं भेजा जा सकता, ऐसे देश में नहीं भेजा जा सकता जहां उसके जीवन पर या उसके स्वतंत्रता पर खतरा आ जाएगा। ये इंटरनेशनल या यूएन कन्वेंशन जो मानव अधिकार का कन्वेंशन है उसमें कहा गया है, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का कन्वेंशन है उसमें कहा गया है, जो टॉर्चर के खिलाफ यूएन कन्वेंशन है उसमें कहा गया है, और एक और यूएन कन्वेंशन है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ उसमें कहा गया है। वह इन सब पे भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान के संविधान में धारा 21 के तहत हर जने को, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, उसको जीवन का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके मतलब ये है कि आप ऐसे किसी भी जने को, चाहे वो गैर नागरिक ही क्यों ना हो, उसको ऐसे जगह नहीं ढकेल सकते, सरकार उसको ऐसी जगह नहीं भेज सकती जहां उसका जीवन या स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने और कई अन्य फैसलों में कही हुई है कि अगर हिंदुस्तान ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर, समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, तब फिर उसको हिंदुस्तान के कानून की तरह माना जाएगा, और ये जो चार कन्वेंशंस का मैंने जिक्र किया उनको हिंदुस्तान के कानून की तरह माना जाएगा, और ऐसे लोगों को बाहर भेजना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक होगा। लेकिन फिर भी आज की मौजूदा सरकार ये कह रही है कि भाई गैर मुसलमान लोग तो हिंदुस्तान में पनाह लेना चाहें, अगर रेफ्यूजी हैं तो वो उनको पूरी आज़ादी है यहाँ पनाह लेने की, हिंदुस्तान उनको पनाह देगा, लेकिन अगर मुसलमान, ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं ये पनाह लेना चाहें तो इनको यहाँ पनाह नहीं दी जाएगी। ये तो सीधा सीधा हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 14 ये कहती है कि किसी भी जने के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी कि भाई आप इन रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके तुरंत बाहर भेजिए, तब फिर एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई है जो कि दो रोहिंग्यास के की तरफ से है, लेकिन सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हिंदुस्तान में हैं करीब 40,000 उनके उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर करी गई है। इन 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज में से 16,500 तो यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, बाकी लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं क्योंकि यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का दफ्तर सिर्फ दिल्ली में है, और जो लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं वो अभी, और इतने गरीब हैं, इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं कि वो अभी तक दिल्ली में यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के पास आकर रजिस्टर अपने आप को नहीं करा पाए। और इस याचिका में ये कहा गया है कि भाई हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून या जो कन्वेंशंस हैं उनका पालन करे, हिंदुस्तान की सरकार इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज के धारा 21 के मौलिक अधिकारों को रिस्पेक्ट करे, और मानवता के तकाजे पर इनसे डील करे, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी ये कह चुकी है, यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ये कह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके हैं कि म्यांमार में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि भाई इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज का वहां जाना बहुत ही ज्यादा उनको खतरे में डालना होगा, और इसी वजह से वो इतनी बुरी हालत में वहां से भागकर निकले हैं, जिसमें कि बहुत सारे, कई हजार लोग तो उनकी मौत उसी में हो गई। बहुत ही दयनीय हालत में हैं
हिंदुस्तान ने हर बार अपनी पॉलिसी ये रखी है, जब बांग्लादेश की का युद्ध हुआ था उस समय कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेश से रेफ्यूजीज यहाँ हिंदुस्तान में आए थे, जिनको बहुत साल तक यहाँ पना दी गई। उसी तरह से जब श्रीलंका में जो तमिल वहाँ के लोग हैं उनके खिलाफ जब अत्याचार हुआ तो बहुत सारे तमिल लोग हिंदुस्तान आ गए, उनको यहाँ पना दी गई। बहुत साल से तिब्बत के रेफ्यूजीज यहाँ आए हुए हैं, उनको पना दी गई है। इसी तरह से चकमा रेफ्यूजीज आए, उनको पना दी गई। हिंदुस्तान की पॉलिसी हर बार हरदम अभी आज तक ये रही है कि इस तरह के जो रेफ्यूजीज जो कि बहुत मुश्किल में हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए आते हैं, अपना सब घर बार छोड़कर, उनको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान के तहजीब के हिसाब से इनको यहाँ पनाह दी जाएगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की सरकार उसको नहीं मान रही। इस केस में सरकार को बोला गया था, पिछले सोमवार को लगा था, यानी कि 4 तारीख को उस दिन सरकार को बोला गया था कि इस पिटिशन का जवाब दें। आज फिर से इसकी तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, आज सरकार ने और समय मांगा है इसका जवाब देने के लिए। अब ये 18 तारीख को अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होगी। हम लोग सबको, जितने भी ऐसे लोग हैं इस देश में जो कि मानवता के आधार पर इस तरह के बहुत ही दबाए हुए, बहुत अनफॉर्चुनेट लोगों की तरफ संवेदना रखते हैं, उन सब की ये ड्यूटी है कि इन बेचारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज को सपोर्ट करें और इनको जब तक म्यांमार में हालात सुधर नहीं जाते तब तक अगर वो हिंदुस्तान में पनाह मांग रहे हैं तो उनको यहाँ पनाह दी जाए।